नमस्कार, एसडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल देर शाम बुधवार को गिरफ्तार हो गई। उसके बाद ईडी ने पूजा सिंघल को कोर्ट में पेश किया और ईडी ने 11 दिनों की रिमांड मांगी, जिसमें कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड दी। उसके बाद पूजा सिंघल सीधे कोर्ट से होटवार जेल गई। इस वक्त हम ईडी कार्यालय के बाहर हैं और आज भी आपको तस्वीर दिखाएंगे ईडी कार्यालय से, जहां पूजा सिंघल अंदर हैं, उनके पति अभिषेक झा भी पहुंचे हुए हैं। और सीए सुमन की बात करें तो सीए सुमन की 5 दिनों की रिमांड ईडी ने मांगी थी और आज वो 5 दिन पूरे हो चुके हैं। ऐसे में कोर्ट फिलहाल ईडी जो है वो सुमन को लेकर गई है और हो सकता है कि ईडी जो है वो 5 दिनों की और रिमांड सुमन से मांगे, क्योंकि और पूछताछ जो है वो शायद ईडी को करनी होगी। इसी को देखते हुए ईडी से जो है वो कोर्ट से सुमन के लिए 5 दिनों की रिमांड मांगेगी। बहरहाल हम इस वक्त सीधी तस्वीर आपको ईडी कार्यालय से दिखा रहे हैं, जहां पूजा सिंघल अंदर है। और आप जो जानकारी बाहर निकल कर आ रही है वह यह है कि जांच में पूजा सिंघल जो है वो ईडी का सहयोग नहीं कर रही है और हर बार वह अपने हेल्थ का हवाला दे रही है कि बीपी बढ़ने की बात सामने आ रही है, धड़कने बेचैन हो रही है, इस तरीके की बात जो है वो सामने आ रही है। और ऐसे में ईडी ने कहा है कि पूजा सिंघल जो है वो जांच में सहयोग नहीं कर रही है। मेडिकल की टीम जो है वो फिलहाल एक हफ्ते ईडी कार्यालय में रहे, हालांकि मेडिकल टीम जो है वो ईडी कार्यालय पहुंची, पूजा सिंघल का बीपी चेक किया गया। हालांकि इस दौरान जब कोई भी अधिकारी अगर पूछताछ करते हैं तो ऐसे में बीपी बढ़ना एक आम बात है और इसी के तहत पूजा सिंघल का बीपी जो है वो थोड़ा सा अनस्टेबल है। और मेडिकल टीम आई जांच की और उसके बाद ये तमाम चीजें जो है वो डॉक्टर्स खुद कह रहे हैं। आप सुनिए हमारे इस रिपोर्ट में, डॉक्टर ईडी कार्यालय पहुंचे, पूजा सिंघल का बीपी उन्होंने चेक किया और डॉक्टर साफ कह रहे हैं कि पूजा सिंघल का बीपी जो है वो अनस्टेबल है। रिलैक्स किया डॉक्टर, सामने देखिए सर, 7 मिनट बाद अभी कैसी हालत है? अभी थोड़ा सा नर्वस, थोड़ा सा चिंता तो रहती है। और उसके बाद 5 मिनट बाद मैंने नापा तो 162/100 है, फिर मैंने 5 मिनट बाद और नापा तो 152 के अबाय 100 है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है नीचे वाला। मैं मैडम को मैंने दवाई लिख दिया हूँ। सर चक्कर वक्कर की भी शिकायत थी? मामूली चक्कर का है, अभी ब्लड दवा ले रहे हैं। खाना खा रही है सर? खाना खा रही है, थोड़ा कम बेसी। सर एक बार बता दीजिए, अभी आपने उनका बीपी नापा तो 180/ कितना था? 172/ फर्स्ट में 180 था, फिर 172। तो पूजा सिंघल जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हो चुकी है। वही केंद्र ने भी ईडी से रिपोर्ट मांगा है मनरेगा घोटाले को लेकर। और अब ईडी जो है वो एक के बाद एक नई कई खुलासे कर रहे हैं और इस पूरे मामले में 3 गिरफ्तारी हो चुकी है। पहले सीए सुमन की हुई, दूसरी पूजा सिंघल के करीबी अभिजीत सेन की कोलकाता से, वही तीसरी गिरफ्तारी बुधवार देर शाम पूजा सिंघल की ईडी ने की। बहरहाल लगातार इस मामले में ईडी छानबीन कर रही है, जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है और क्या कुछ अब नए खुलासे होते हैं ये हम आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए देश जी।